सैमसंग गैलेक्सी A42 5G। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से एक 5G स्मार्टफोन आने वाला है। जो चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा वो होगा सैमसंग गैलेक्सी A42। अभी कुछ दिन पहले इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा, जिले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सैमसंग का जो A42 5G होने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन हमें यहाँ पे देखने मिलने वाला है और यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाने वाली है और बहुत अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन भी देखने मिल जाने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन, देन बाद में हम बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो बिल्ड और डिजाइन है वो A51 A71 जैसा ही देखने मिलने वाला है और आप लोग पता है A51 और A71 में बहुत ही बढ़िया बिल्ड और डिजाइन देखने मिला था, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आई थिंक डेफिनेटली डिजाइन वाइज ये फोन जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने मिल जाने वाला है। डिस्प्ले में बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक फुल एचडी पर डिस्प्ले मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा, बट यहाँ पे आपको इस बार पंचोल जो है वो नहीं देंगे, इन्फिनिटी यू नॉच मिलने वाली है आपको। तो यू शेप वाली नॉच आपको देखने मिल जाएगी जो बहुत ही बढ़िया दिखने मिलती है, बट यार मुझे लगता है कि साइड पंचोल भी दे सकते थे, बट हाँ ठीक है, आप दे दिया है तो दे दिया है, बट हाँ अच्छा है मेरे हिसाब से जो दे दिया, मतलब आने वाला है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले वाइज ये फोन जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको देखने मिल जाने वाला है। वहीं पर आगे इस बात कर लिया चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 750G का चिपसेट मिलेगा जो एक बहुत पावरफुल चिपसेट है गाइज, और ये चिपसेट 5G सपोर्ट करता है। एंड डेफिनेटली ये चिपसेट के साथ ये फ़ोन आता है ना, तो एक बहुत पावरफुल चिपसेट और बहुत पावरफुल फ़ोन भी हो जाएगा ये। तो यार मुझे कमेंट बताओ कि आप लोग इस बारे में क्या लगता है गाइज। आगे बात कर लीजिए कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमराज का सेटअप दिया जाएगा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, देन आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा, डेप्थ सेंसर भी मिलेगा और माइक्रो लेंस भी आपको देखने मिल जाने वाला है। तो क्वाड कैमरा के सेटअप के साथ ही आपको देखने मिल जाने वाला है। सेल्फी में बात कर ली जाए, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी इन्फिनिटी नॉच के साथ, तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी आपको देखने मिल जाने वाली। तो आप कह सकते हैं कैमरास भी अच्छे हैं, ठीक ठाक ऑन द पेपर्स आप देखते हैं तो कैमरा अच्छे दिए गए हैं और चिपसेट तो बहुत ही अच्छा दिया गया है और डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है। आगे बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो 4000 mAh की बैटरी अभी तक कोई खत्म मतलब लीक नहीं आई, बट हो सकता है 4000 के ज़्यादा ही होना चाहिए। 4000 mAh की बैटरी मिल सकती है और टाइप सी भी मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग बोला जा रहा है। हो सकता है ये 15 वोल्ट यार मुझे अब थोड़ा कम लग रहा है, बिकॉज 15 वोल्ट का ज़माना जा चुका है। अब आई थिंक आप लोगों को 45-50 वोल्ट तक जाना चाहिए, बट अब सैमसंग जो दे रहा है वो दे रहा है, तो ठीक है आप देखते हैं। और आगे बात करते हैं यूआई के बारे में, एंड्रॉयड 10 और द बॉक्स होगा, 11 देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट वन यू आई टू के साथ आपको ये रन करने वाला है। एंड गाइज ये पूरा यहाँ पे सैमसंग का A42 5G। आगे बात करता हूँ प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइज इस फोन का जो प्राइस होगा वो 26 से 27 हज़ार रुपये होगा भाई यार, 26 से 27 हज़ार। देखिए चिपसेट के मामले में मैं देख लूँ तो यार रेडमी नोट 10 प्रो भी आ रहा है जो 20 हज़ार रुपये, 20-22 हज़ार रुपये बीच में आ रहा है बेस ब्रांड इसी चिपसेट के साथ, तो वही सैमसंग आपको दे रहा है 26-27 हज़ार में, और वो भी इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन वो नहीं दे, वो तो यहाँ पे आपको 14 मेगापिक्सल मिल रहा है तो 108 मेगापिक्सल मिल रहा है। तो यार ये आप देख सकते हो सामने आपके, और मैं तो कहता हूँ कि इस फोन का वैसे ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये फ़ोन ना आए इंडिया के अंदर, बिकॉज यार 5G स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा है सैमसंग इंडिया में अभी तक, ए सीरीज का कोई लॉन्च नहीं किया है। तो मुझे लगता है जो ये फ़ोन है वो ग्लोबली जो वो लॉन्च ज़्यादा सैमसंग करने वाला है, अगले महीने तक ये जो फ़ोन आपको ग्लोबली मिलना चालू हो जाएगा, बट इंडिया की बात करूँ तो ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर ना आए, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम रेडमी नोट 10 प्रो से काम चला लेंगे। बस गाइस इस वीडियो बस आप लोग वीडियो पसंद है, आप लोग वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। वैसे मैं नहीं लेने वाला हूँ रेडमी नोट 10 प्रो, क्या आप लेने वाले हो, क्या A42 का आप वेट कर रहे थे, मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो आप लोगों को पसंद आई, आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब तो जरूर से करो गाइज, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैं कभी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।